नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है कार्बन फाइनेंस योजना, लाभ लेने के लिए कराना होगा पंजीकरण। किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है कार्बन फाइनेंस योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए हर वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन से समन्वय स्थापित करके अपने पौधे का पंजीयन कराना होगा। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2070 तक देश को कार्बन शून्य बनाना है। यूपी में शिक्षक विवेकानंद की अनूठी पहल, 100-100 रुपए के योगदान से संकट काल में करते हैं शिक्षक परिवारों की मदद। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के रूप में सदी की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा था, तब प्रयागराज के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक विवेकानंद ने चार मित्रों के साथ मिलकर TSCT नाम की एक संस्था बनाई जिसका उद्देश्य था संकट में फंसे शिक्षक परिवारों की मदद करना। आज यह संस्था उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक शिक्षकों का समूह बन चुकी है। संस्था 100-100 रुपए के योगदान से अब तक 83 शिक्षकों के परिवारों की मदद कर चुकी है। असमय निधन हुए परिवारों को संस्था की तरफ से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दीपावली पर होगा लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन। 40 फीट ऊंची और 14 टन वाली वीणा पहुंची अयोध्या। लता मंगेशकर चौराहे पर लगने वाली वीणा अयोध्या पहुंच चुकी है। सीएम योगी ने मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद अयोध्या के प्रमुख चौराहे को लता मंगेशकर के नाम पर बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद उनकी स्मृति में चौक पर लगने वाली 40 फीट ऊंची और 14 टन वजनी वीणा 3 दिन के सफर के बाद नोएडा से अयोध्या पहुंच गई है। दीपावली के अवसर पर सीएम योगी मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे। हिजाब मामले को संविधान पीठ भेजने की अपील। कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का पूरा अधिकार है। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया था। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर रोक को सही ठहराते हुए पर्दा प्रथा पर अंबेडकर की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, पर्दा प्रथा पर बाबा साहेब की राय हिजाब के मसले पर भी लागू होती है। पर्दा, हिजाब जैसी चीजें किसी भी समुदाय में हो तो उस पर बहस हो सकती है। इससे महिलाओं की आजादी प्रभावित होती है। यह संविधान की उस भावना के खिलाफ है जो सभी को समान अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करती है। लेकिन दिन भर बाबा साहेब और संविधान की बात करने वाले कट्टरपंथियों को आज कानून निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के विचार भी सांप्रदायिक लग रहे हैं। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दिए निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्चियों के रेप के बाद हत्या के मामले में सीएम योगी ने पीड़ित लड़कियों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक पक्का घर और खेती के लिए जमीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाई जाए। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट शुरू। बैठक के बाद पुतिन से होगी पीएम मोदी की खास मुलाकात। यूपी के बरेली में मुस्लिम युवक शोहदे का दुस्साहस। स्कूल जा रही छात्रा को गन्ने के खेत में खींचा, मुंह में ठूसा कपड़ा की छेड़छाड़।
वाराणसी में सर्वे के दौरान मिला 65 साल से चल रहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसा। अब तक 22 अवैध मदरसों की हुई पहचान, पहले दिन का सर्वे पूरा। भारत में 75 साल बाद फिर बसेगा चीतों का आशियाना। नामीबिया से विशेष विमान से भारत आ रहे हैं चीते। संघ के विजयदशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होगी पर्वतारोही संतोष यादव। उत्सव में पहली बार शामिल होगी कोई महिला अतिथि। सहारनपुर के मदरसे से अलकायदा का आतंकी हसन शेख गिरफ्तार। शेख को फंड इंतजाम करने की थी जिम्मेदारी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।